एदमापुर तहसील के आबिदगढ़ के पास इंदा में अराजक तत्वों ने हनुमान जी की मूर्ति को खंडित किया तो इस पर हिंदू समाज के साधु संतों व नेता बरस पड़े और उन्होंने एदमापुर तहसील के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया तथा वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। देखते ही देखते सैकड़ों हनुमान भक्त इकट्ठे हो गए। साधु संतों की शासन प्रशासन से मांग है कि जिन्होंने हनुमान जी की मूर्ति को खंडित किया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए तथा हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित किया जाए, नहीं तो ईंट से ईंट बजा देंगे। उपजिलाधिकारी अभय सिंह एवं एसीपी ने संतों को आश्वासन दिया कि जांच उपरांत जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन साधु संत एवं भक्तगण इस पर राजी नहीं हुए और उन्होंने हनुमान जी का जाप करते रहे। उनका कहना है कि मूर्ति को अभी स्थापित कराया जाए और दोषियों को कानून सजा दी जाए। हमारा अनशन तभी खत्म होगा, अन्यथा की स्थिति में हम कानून तरीके से हर लड़ाई में रहेंगे। अभी तहसील परिसर में साधु संतों भक्तों का जमावड़ा है। देखते की बात यह होगी कि शासन प्रशासन दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। भारतीय जनता पार्टी धर्म को मजबूत करने के लिए, सनातन धर्म को सुरक्षित रखने के लिए वादा करती है। इधर देखते हैं कि एतमादपुर तहसील परिसर में यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद व संत समाज हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ लोग, ऐसी क्या आन बान पड़ी कि सैकड़ों लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। इनसे पूछने महाराज जी बैठे हुए हैं, क्या आज हुआ ऐसा कि आपको यहाँ पर धरना देना पड़ा, एसडीएम साहब शासन प्रशासन से गुहार लगानी पड़ी। बात करते हैं इनसे। महाराज जी, क्या नाम महाराज जी आपका? सीताराम बाबा गैयावार है। सीताराम बाबा जी, क्या आज मसला है, कैसे भीड़ इकट्ठी है? हनुमान जी शासन के द्वारा धरे जाए, शासन ने उठावा के ले गए और तो भीड़ हमारा हनुमान जी के पीछे मैटर है। महाराज जी, हनुमान जी किसने उठाए हैं? मानो कानू को पटवाई गए और थाने खनौली से पुलिस आई और गाँव के पाँच चार गुंडा लोग, उन लोगों ने खजड़ी के लात मार मार के, ईंट मार मार के हनुमान जी को बहुत बेदशा करके ले गए। अब महाराज जी क्या करेंगे आप? हमारी मूर्ति है, शासन धरे, 8.5 गांवों का विरोध चल रहा है और हमारी मूर्ति नहीं रखी जाए जो तक कोई नहीं हटेगा, जान देवे तो आप यहीं बैठे रहोगे? नहीं बैठे रहे, मरी जाएंगे, यहीं मत जाएंगे। खंदौली ब्लॉक के अंतर्गत बासिंदा गाँव है जहाँ पर हमारे हनुमान जी की मूर्ति थी, एक अच्छा मंदिर था, ये पुजारी जी रहते थे बाबा जी, वहाँ पर बड़ी बेरहमी से निंदनीय तरीके से उस मूर्ति को वहाँ से विस्थापित किया, घसीट कर लेके आए गए। उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और जो कृत्य किया है कानून को विचित्र बहादुर, उनको निलंबित किया जाए और हमारी हनुमान जी की मूर्ति को पुनः वहीं स्थापित किया जाए, ये हमारी मांग है। और मैं तो कहूँगा मूर्ति को विस्थापित नहीं किया गया, एक तरीके से हनुमान जी का मर्डर हुआ है, क्योंकि हर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब यही होता है कि उसमें प्राण को जीवित किया जाता है और इस तरीके से मूर्ति को विस्थापित किया है, पैर लगाकर लात लगाकर घसीटते हुए, तो इसको मर्डर ही कहा जाएगा, इन पर 302 लगनी चाहिए। जी महाराज जी, क्या हुआ है? यह हुआ, ये करके शांति को शांति भंग करने की कोशिश की गई है, ये बहुत बड़ी साजिश रची गई है। ये महाराज जी, शांति भंग किसने की है? ये बता हुआ, ये शांति भंग करनी है, ये गांव के ही 4-5 लोग हैं, उन्होंने मिलकर ये शांति भंग की है। एक बार को कानून को शराब पिलाई है, उनको पैसा दिया गया है। बोली हटाने से पहले एक दिन बगल भूसा पर पार्टी हुई है, जिस पार्टी में 2500 रुपए का खर्चा आया है। दारू पार्टी चली है, मुर्गा पार्टी चली है, देखभाल की और कानून को की। गांव के जो 4-5 व्यक्ति है, जो मुंडा कर चुके हैं और दूसरे पीएफआई से भी जुड़े हुए, वो लोग पीएफआई से जुड़े हुए वो धंधा फसाद कराना चाहते हैं, क्योंकि एक तरफ 4 बीघा ये खेत था, इसमें आधे में कब्रिस्तान है, आधा खाली पड़ा हुआ था, बंजर था, उसमें जुआ शराब सट्टा जो भी अनैतिक कार्य हो सकते थे दोहरे सारे कार्य जाते थे। अब यह 2 साल से गाँव में उन लोगों में कुछ अच्छे पुरुष थे, उन पर जब बर्दाश्त नहीं हुआ तब उन्होंने सबने इकट्ठा होके उस जमीन पर बाबा को बैठाला हुआ कि बाबा आप रहे। बाबा ने 40-50 हजार रुपए खर्च करके वहाँ पेड़ पौधे बगीचा लगवाया, बहुत बढ़िया अच्छा बनाया, जो वहाँ पर खराब जगह थी उसको जमन कर दिया। एक उसके बावजूद जब उनको ऐसा सहन नहीं हुआ गांव वाले लोगों को, तो उन्होंने मिल के और ये इनसे मिल के देखभाल और कानून को खिला पिला के और फिर ये ऐसे करके वहाँ से हनुमान जी को हटाया गया, तोड़ फोड़ करके लात मार के जैसे घसीटा
कैसे करके बिना आदेश के, ठीक है। जब कोई अगर ऐसा करना था तो बाबा को आदेश देना चाहिए था पहले शासन को, नोटिस देता, उसके बाद में जो भी कार्रवाई करता वो करता। लेकिन उन्होंने अपना खा पी के और पैसे लेके और ये कृत्य किया, जिससे क्या होगा कि इधर इनको हनुमान को घसीटेंगे और इधर कब्रिस्तान बना हुआ है बगल में, हिंदुओं में उबाल आएगा, जब उबाल आएगा तोड़फोड़ पैदा होगी, तोड़फोड़ होगी सब में लगता दंगा फैलेगा। ये इनकी सबकी मिली हुई राजा हुआ है, हम नहीं आए हैं, ये ऐसे इसलिए हुआ है। इसको गवर्नमेंट सरकार हमारी शांति चाहती है, सरकार सबको हिंदू मुसलमानों को मिला रहे अपनी तरफ कर रहे, और ये हिंदू मुसलमानों में दंगा फसाद कराना चाहते हैं। सिस्टम सुधार संगठन क्या हुआ है यहाँ पर, केस देखिए आस्था पे आघात किया गया है। ये हमारे यदमापुर तहसील क्षेत्र का गांव है बांसिंदा, मौजा पोहिया में पड़ता है। यहाँ पर प्राचीनतम हनुमान का मंदिर था, अभी कुछ दिन पूर्व ही प्रशासन तहसील प्रशासन द्वारा जबरन तरीके से हनुमान जी की मूर्ति को हटाकर, और हटाकर नहीं खंडित कर दिया गया, और एक हटाना भी अलग चीज़ होता है, चलो प्रशासन ये हमें कोई चीज़ हो सकती है हट जाएगा, लेकिन उसको रस्सी से बांध के घिसीटते हुए पीछे ले गए, खींचते हुए, जो कि गलत है। ये हमारी भावना पर आहत हुआ है, चोट पहुंची है, हमारी भावना हम सबकी आहत है, और हमारी दो ही मांगे यहाँ पर, एक तो जो भी कर्मचारी और अधिकारी दोषी है उस पर FIR दर्ज हो, जेल हो, दूसरा कि वहाँ सम्मान सहित हनुमान जी की मंदिर जो प्रतिमा है वो स्थापित की जाए। इन दो मांगों को लेकर हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ गेट बंद है, और वही है कि मंदिर जो मंदिर है हमारा जो हनुमान जी की मूर्ति है वहाँ स्थापित की जाए, यदि ऐसा नहीं होता है तो ये अनिश्चितकालीन में कन्वर्ट है, और हम लोग यहाँ बैठे हुए प्रोटेस्ट चल रहा है। उसमें 15 आदमी का कब्जा था, कहाँ की घटना है ये, जी इंदा के वास की है, इंदा वास कहाँ पर है ये, ये मौजा पोहिया में लगता है, क्या हुआ बताएं। और वहाँ पे मतलब दिन में धुआं खिला जाता था, दोपहर को दारू पी जाती थी, संजा को देह व्यापार होता था जी, मैंने आंखों से देखा। अब क्या हुआ है, अब इन्होंने वो हनुमान जी मूर्ति रखी थी 2 साल से, वो उन्होंने जूते मारे और जूते मार के घसीटते हुए ले गए, और जहाँ टेम्पू खराब एक्सल टूटा वहीं मूर्ति को छोड़ के भाग गए। ये जूते किसने मारे, हनुमान जी का अपमान किसने, ये प्रीतम सिंह और विजय सिंह, गीतम सिंह, सत्यवान सिंह और अशोक कुमार, और यही 5-6 लोग हैं। अब आप क्या चाहते हैं इसके लिए, हम ये चाहते हैं कि जो धर्म का अपमान हुआ है उसका सम्मान होना चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। उन लोगों के जिन्होंने ऐसा किया उनके खिलाफ क्या चाहते हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, धर्म के प्रति उन्होंने किया है, और कुछ नहीं चाहिए सर।